प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग चौथी कक्षा के व्याकरण का पांचवा पाठ, जिसका शीर्षक है संज्ञा का पुनः अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं संज्ञा पाठ में क्या क्या है। पहला है संज्ञा और दूसरा है संज्ञा के भेद। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या है, आप सभी ने पहले भी पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, नाम यानी संज्ञा। जैसे कि उदाहरण देखिए, प्राणियों के नाम सचिन, पायल, माता पिता आदि, वस्तुओं के नाम पिंजरा, मूंगफली आदि, स्थानों के नाम घर, उपवन आदि, और भावों के नाम गर्मी, खुशी, बुढ़ापा आदि। ठीक है, यह हो गया संज्ञा। अब आइए संज्ञा के भेद। आप देख सकते हो संज्ञा के तीन भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, किसी विशेष, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे देशों के नाम भारत, रूस, अमेरिका आदि, नदियों के नाम है गंगा, यमुना आदि। ठीक है, खेलों के नाम क्रिकेट, कबड्डी आदि, इमारतों के नाम है चार मीनार, एफिल टावर आदि। ठीक है, व्यक्तियों के नाम भगत सिंह, विराट कोहली आदि। ठीक है, दिनों व महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि। ठीक है बच्चों, यह तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आइए जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, ठीक है, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, उदाहरण क्या होगा, फल, सब्जी, पेड़, आदमी, बच्चा आदि। ठीक है बच्चों, यह इसके उदाहरण है। अब आइए भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष या अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराते हैं उसे ही क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग भावों को महसूस करते हैं, उन्हें छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि बुढ़ापा, खुशी, खुशी को हम लोग देख नहीं सकते है ना, उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो यह क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए ही तक, अगली कक्षा में हम लोग एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।